हाँ जी बेटा, आ गए जी ब्रेक के बाद, पी लिया पानी वानी। ओके आगे बढ़ते हैं फिर। अगली बात बेटा, करंट के बाद अगला कंसेप्ट अपना आएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, पॉइंट ये है कि ये तो बोल दिया कि भी करंट करंट ऐसे करके करंट फ्लो होगा, लेकिन बेटा करंट ऐसे ही नहीं फ्लो हो पाएगा। अगर हमारे पास बहुत बढ़िया गुड कंडक्टर भी है तो भी उसमें करंट ऐसे ही थोड़ी फ्लो हो पाएगा। ऐसे तो बहुत सी चीज़ें कंडक्टर में हमारे आसपास, तो सब में करंट थोड़ी चले जा रहे हैं। हमें सबसे पहले क्या करना पड़ता है बेटा, कोई सोर्स ऑफ वोल्टेज लाना पड़ता है, सोर्स ऑफ ईएमएफ लाना पड़ता है। ओके, सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस लाना पड़ता है। ओके जी, तो हमें पता ही है कि अगर करंट को फ्लो करवाना है तो बेटा सॉकेट लगाना पड़ेगा, हमें बैटरी लेकर आनी पड़ेगी, हमें सोर्स ऑफ ईएमएफ लेके आना पड़ेगा। तो जो बैटरी, वो सेल, वो जो सप्लाई है बेटा, बेसिकली वो हमें प्रोवाइड क्या कर रही है, वो हमें प्रोवाइड कर रही है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर। तो कोई भी कंडक्टर है, ऐसे ही अपनी जितना मर्जी बड़ा तुर्रम खां कंडक्टर हो, अपने आप उसमें से करंट नहीं फ्लो करता भैया। क्या लगाना पड़ता है उसके अक्रॉस? कोई बैटरी कनेक्ट करनी पड़ती है, कोई सेल लगाना पड़ता है, सप्लाई में कनेक्ट करना पड़ेगा उसको। ओके, तो अब इसके कुछ बेसिक कंसेप्ट होते हैं, कुछ बेसिक डेफिनेशन होती हैं। पता है हमें बैटरी होती है, सेल होता है, लेकिन कुछ बेसिक डेफिनेशन है, बुकिश डेफिनेशन, हमें उसके हिसाब से उसी स्टेप बाय स्टेप जाना पड़ेगा। तो अगली हेडिंग बेटा डालोगे आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ओके, तो अगर मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन दे दूं, अब जैसी भी है, थोड़ी अलग सी होगी, थोड़ी अजीब सी होगी, लेकिन जैसी भी है भाई वो एग्जाम में आ सकती है, आपको लिखनी है, राइट है? तो पहले किसकी देंगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, और उसके बाद किसकी डेफिनेशन दे देंगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की, राइट है जी? तो पहले देते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। लिखो कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इज डिफाइंड एज इलेक्ट्रिक, सफेद पेन से लिख, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इज डिफाइंड एज, जो डेफिनेशन है वही लिखनी पड़ेगी, कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट आ सकती है एग्जाम में इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट चार्ज, पर यूनिट चार्ज इन ब्रिंगिंग द चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट। अब देखो जो डेफिनेशन है वही लिखनी पड़ेगी, अभी कैसी है वो मत सोचो, ज़्यादा डिटेल में ट्वेल्थ क्लास में जाके पढ़ोगे। अभी फिलहाल क्या बोला? पोटेंशियल यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज इन ब्रिंगिंग द चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। किसी भी जगह पर अगर पोटेंशियल डिफाइन करना है तो उसकी डेफिनेशन क्या है? इट इज अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट चार्ज इन ब्रिंगिंग द चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। किसी भी चार्ज को इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक लाने के लिए पर यूनिट चार्ज जो वर्क करना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। वी से इसको क्या करना है? डिनोट करना है बेटा। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या हुई? वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क कहाँ का? इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक लाने का वर्क। तो पहली बात बेटा, आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का क्या फार्मूला याद रख लो, डब्ल्यू डिवाइडेड बाय क्यू। ओके, अब इसको भी पहले डिफाइन कर ही देता हूँ, फिर बातें इकट्ठी कर लेंगे। अगला कंसेप्ट है बेटा इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। डेफिनेशन लगभग वही है, देखना कहाँ फर्क है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स is defined as, potential difference between two points is defined as the amount of work done per unit charge
इन ब्रिंगिंग द चार्ज। यार कोई फर्क ही नहीं है दोनों की डेफिनेशन में। ये भी क्या था, पोटेंशियल एट ए पॉइंट इज डिफाइंड द अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट चार्ज इन ब्रिंगिंग द चार्ज फ्रॉम, ये भी वही है अमाउंट ऑफ वर्क डन इन पर यूनिट चार्ज इन ब्रिंगिंग द चार्ज। तो फर्क क्या है भाई, फर्क अभी आगे पड़ेगा। वहां पे है फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट, यहां पे है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। ठीक है जी, अब डेफिनेशन बेटा जो है सो है, आपको याद करनी पड़ेगी। ठीक है, मैं यहां पे बिल्कुल टाइप जानबूझ के नहीं लेके आया, ताकि लिखे आपको लिखने का भी क्या मिल जाए, टाइम मिल जाए। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस, बेटा फार्मूला भी वही बनेगा। पोटेंशियल डिफरेंस को भी किससे डिनोट करते हैं, वी से डिनोट करते हैं, कैपिटल वी। ठीक है, जैसे करंट भी हमने बोला कि भाई स्मॉल आई भी यूज कर सकते हो, कैपिटल आई भी। चार्ज में बोला स्मॉल आई भी यूज कर सकते हो, कैपिटल आई भी, लेकिन पोटेंशियल में या पोटेंशियल डिफरेंस में कैपिटल मतलब कैपिटल ही यूज करना है। तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे, कैपिटल वी ही यूज करेंगे। राइट है जी, तो वी इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज। फर्क कहाँ पे बेटा, बस ये W में, ये वाला जो W है वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट है, और ये वाला जो W है ये फ्रॉम 1.2 टू अनदर। राइट है, हमें यहां पर पोटेंशियल से ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस से डील करना है। जो बैटरी होती है, बैटरी के एंड्स के अक्रॉस क्या होता है बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस होता है। जब बैटरी को किसी कंडक्टर के अक्रॉस लगाते हैं तो उन दोनों एंड्स के अक्रॉस क्या डेवलप हो जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो जाता है। और किसी भी कंडक्टर में करंट तब तक फ्लो नहीं होगा जब तक उसके एंड्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस ना हो। ओके जी, और पोटेंशियल डिफरेंस किसकी हेल्प से क्रिएट किया जाता है, किसी सेल या बैटरी की हेल्प से क्रिएट किया जाता है। अब पोटेंशियल डिफरेंस की वैसे डेफिनेशन क्या बनी, अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट चार्ज इन ब्रिंगिंग द चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। ये कोई पॉइंट ए है, ये कोई पॉइंट बी है। ए से बी अगर आप किसी चार्ज क्यू को लेके गए तो उसको ले जाने में क्या लगेगा, वर्क डन लगेगा। अब उस वर्क डन को उस जिस चार्ज को लेके गए हो उससे डिवाइड कर दो तो क्या आ गया, वर्क डन पर यूनिट चार्ज आ गया। अब उसी को क्या बोला जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोला जाएगा। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट चार्ज इन ब्रिंगिंग द चार्ज फ्रॉम 1.2 टू अनदर। तो एक तो भैया डेफिनेशन याद कर लो, मैंने बोला इनकी डेफिनेशन पढ़ के ना मजा सा नहीं आता यार, क्या अजीब सी डेफिनेशन है। अब करंट में तो ठीक है, इट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, बंदे को समझ में लग गया। अब कह रहे हैं इन्फिनिटी क्या होता है, इन्फिनिटी से अब भी फिलहाल रिविजन में इन चीजों में घुसने की जरूरत नहीं है। डेफिनेशन याद करो, इट इज ना आ सकती है, यूज हमने ज्यादा क्या करना है, फार्मूला ही करना है। अब फार्मूले हमें तो न्यूमेरिकल के ज्यादा चांस है, लेकिन कभी कभी छोटे मोटे चांस डेफिनेशन के भी होते हैं ना, तो इसलिए डेफिनेशन पढ़नी है, याद कर लेनी है, फार्मूले से हम डील कर ही जा रहे हैं। ओके, तो पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस दोनों का बेटा वैसे फार्मूला क्या बनेगा, वर्क डन पर यूनिट चार्ज ही बनेगा। फिलहाल हमें इस चैप्टर में पोटेंशियल से ज्यादा जरूरी क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस जरूरी। कोई भी सेल या बैटरी हमें क्या प्रोवाइड करती है बेटा, इट प्रोवाइड पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, इसका एक एंड जो पॉजिटिव है वो हाई पोटेंशियल पे होता है, इसको क्या बोलते हैं, हाई पोटेंशियल। जो दूसरा एंड है वो बेटा लो पोटेंशियल पे होता है। ठीक है, इसके अक्रॉस जो भी पोटेंशियल डिफरेंस है उसको किससे डिनोट कर देते हैं, वी से करते हैं। और जब भी ये सेल या कंडक्टर के अक्रॉस हमने ये बैटरी कनेक्ट कर दी, मान लो ये 5 वोल्ट की बैटरी है, तो इसका ये एंड किस पे मानेंगे हम, 5 वोल्ट पे। और नेगेटिव एंड आमतौर पे किस पे माना जाता है, 0 वोल्ट पे। ठीक है, पॉजिटिव एंड किस पे माना जाता है, 5 वोल्ट पे। और नेगेटिव एंड किस पे माना जाता है, 0 वोल्ट पे माना जाता है। राइट है जी, इसको ज्वाइन कर दिया, ये हाई पोटेंशियल पे चले गया, ये लो पोटेंशियल पे चले गया। इसके अंदर खूब सारे क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन। अब ये इलेक्ट्रॉन जितने भी हैं पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ भागना शुरू कर देंगे और सर्किट में करंट चलने लग जाएगा। ठीक है जी, तो पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। अभी फिलहाल हम लोग किस पर हैं, इस फार्मूला पर हैं। एक नया फार्मूला आ चुका है, वी इज इक्वल टू डब्ल्यू डिवाइडेड बाय क्यू। अगर हम अपने फार्मूलाज की
लिस्ट बना लें तो हमारे पास जो फार्मूलाज आ गए अभी तक के वो कौन कौन से आ गए जी। एक आ गया सबसे पहले भाई, करंट इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम, ठीक है, रिवाइज करते जाना चाहिए। क्या क्या आ गया हमारे पास? पहला फार्मूला आ गया करंट इक्वल टू चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम बेटा। दूसरा फार्मूला आ गया क्यू इक्वल टू प्लस या माइनस एनी वाला। तीसरा फार्मूला अभी अभी जो हमने ऑब्टेन किया क्या आ गया, पोटेंशियल इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, या कभी कभी डब्ल्यू निकालना होगा क्यू इंटू वी, समझ गए? ओके अच्छा, कभी कभी वो एनर्जी भी बोल देगा, वर्क डन एनर्जी भी है। अगर वर्क डन हुआ है तो मतलब एनर्जी क्या हुई है, खर्च हुई है, बैटरी ने एनर्जी क्या की है, स्पेंट की है। तो कभी कभी वो एनर्जी वगैरह निकालने के लिए बोले तो भी क्या फार्मूला ये यूज हो जाएगा क्यू इंटू वी। तो अभी तक की स्टोरी, एक दो तीन, तीन फार्मूले आ गए हमारे पास, ये चौथा तो चलो उसी से बना दिया। ओके तो इधर उधर की बातें ना ज्यादा करते हुए मैं अपने आप को बड़ा लिमिट कर रहा हूँ यहाँ पे, पोटेंशियल में ना बताने के लिए और बहुत कुछ, लेकिन ज्यादा हम जा नहीं रहे। तभी मैंने कंसंट्रेट किया कि भाई हमारे पास ये फार्मूले आ गए, करंट आ गया, चार्ज आ गया, वी आ गया, ठीक है, वी से डब्ल्यू आ गया, राइट है जी। अब बढ़ते हैं एनसीईआरटी के अगले पड़ाव पर, देखते हैं आगे क्या दे रखा है। तो आगे जैसे हम बढ़ते हैं, पोटेंशियल वाला खत्म करते हैं, तो हमें मिलता है एग्जाम्पल 11.2 यानी 11.2। देखते हैं ये क्या मांग रहा है आपसे, हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग ए चार्ज ऑफ 2 कूलम, चार्ज कितना 2 कूलम अक्रॉस 2 पॉइंट्स हैविंग पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 12 वोल्ट। 2 पॉइंट है जिनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना दे रखा है, 12 वोल्ट दे रखा है, चार्ज कितना दे रखा है 2 कूलम दे रखा है, फाइंड क्या करना है, वर्क डन फाइंड करना है। तो क्या फार्मूला यूज करेंगे, अभी अभी बताया था पोटेंशियल किसके इक्वल वर्क डन पर यूनिट, चार्ज के इक्वल वर्क डन किसके इक्वल क्यू इंटू वी के इक्वल वर्क डन किसके इक्वल क्यू कितना 2 कूलम और वी कितना 12 वोल्ट, तो वर्क डन कितना 24 जाउल। यूनिट चेंज हो गई भैया, वर्क डन किस में मेजर होता है, जाउल्स में मेजर होता है। तो सिंपल सी कहानी, आ जाते हैं कई बार ऐसे क्वेश्चन, तो वर्क डन बेटा किसके इक्वल हो गया 24 जाउल के इक्वल हो गया। तो ये क्या हो गया जी आपका एग्जाम्पल 11.2, करा करो कुछ मत छोड़ा करो, हमने एनसीईआरटी बुक का एक भी दाना भी नहीं छोड़ना, सब कुछ पढ़ देना है, एक एक लाइन पढ़ो, एक एक हेडिंग पढ़ो, एक एक क्वेश्चन करो, बार बार फिर वही बात, इजी डिफिकल्ट मत देखो, डिफिकल्ट होगा तो छोड़ मत देना, इजी होगा तो भी छोड़ मत देना, सब करने पड़ेंगे। ले भैया आगे बढ़ते ही हमारे पास फिर से क्या आ गए, बॉक्स में क्वेश्चन, इसमें क्वेश्चन बहुत हैं यार इस चैप्टर में ना, क्वेश्चन बहुत, ठीक है। तो आगे फिर से हमारे पास क्या आ गए, कुछ एक दो क्वेश्चन हैं, देखते हैं ये क्या कहना चाहते हैं। नेम अ डिवाइस विच हेल्प टू मेंटेन अ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कंडक्टर, किसी भी कंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करने वाले डिवाइस को क्या कहते हैं। तो अभी यहाँ पर हम दिखा रहे थे ये कंडक्टर है, कंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करने वाले डिवाइस को क्या कहते हैं, बैटरी या सेल या सोर्स ऑफ ईएमएफ। तो पहले का आंसर क्या दे दिया हमने बेटा, सेल और बैटरी, सेल और बैटरी। ओके जी, फर्स्ट क्वेश्चन आपका डन हो, सेकंड पे आते हैं। व्हाट इज मीन बाय सेइंग दैट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज 1 वोल्ट, इसको लिख लेना। पिछली बार हमने 1 एम्पियर डिफाइन किया था, समझ लो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, 1 वोल्ट डिफाइन करना है, ठीक है जी। व्हाट इज मीन बाय सेइंग दैट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज 1 वोल्ट। ध्यान दें हमारे पास पोटेंशियल की डेफिनेशन, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, अगर बेटा चार्ज 1 कूलम हो जाए और वर्क डन 1 जाउल हो रहा हो तो वी 1 वोल्ट आ जाएगा, समझो बात को, डब्ल्यू भी 1 क्यू भी 1, तो वी भी कितना आ गया 1 हो गया, यूनिट इसकी कितनी हो गई वोल्ट हो गई, तो वी किसके इक्वल आ गया 1 वोल्ट के इक्वल आ गया। अब ध्यान से सुनना, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज 1 वोल्ट मीन्स दैट 1 जाउल ऑफ वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 1 कूलम फ्रॉम 1.2 अनदर। इसका मतलब है
कि भी एक कूलम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने के लिए कितना वर्क लग रहा है, 1 joule लग रहा है। वीडियो रिपीट करके सुनोगे डेफिनेशन के, बोल ही दूं दोबारा कि लिखी दूं, लिख ही देते हैं भाई। तो हमने बोला अगर बेटा W1 हो और Q भी 1 हो तो V1 आ रहा है, तो हम कहेंगे पोटेंशियल डिफरेंस, लिखो भैया पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज 1 volt, मीन्स दैट वन जाउल ऑफ वर्क इज बींग डन टू ट्रांसफर 1 coulomb ऑफ चार्ज फ्रॉम 1.2। अब देखो यहां आके पंगा पड़ता ना, अब यहां पे 3 question अगर दे रखे, 3 में 2 easy दे रखे होंगे, 1 घुमा रखा होगा। अब इसकी डेफिनेशन ऐसे ही देनी पड़ती है, एनसीईआरटी बुक में कहीं ना कहीं लिखी होगी, लाइनों के अंदर से ढूंढ कर पढ़नी पड़ेगी, राइट है जी। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज 1 volt, इसका मतलब है कि 1 joule ऑफ वर्क इज बीइंग डन टू ट्रांसफर 1 coulomb ऑफ चार्ज फ्रॉम 1 point टू अनदर, राइट है जी। 2 सवाल हो गए हमारे, आगे बढ़ते हैं। हाउ मच एनर्जी इज गिवन, तीसरे क्वेश्चन पे जा रहे हैं बेटा, हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम्ब ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू ए 6 volt बैटरी, 6 volt की बैटरी है, पर कूलम कितनी एनर्जी दी जा रही है टू ईच कूलम्ब ऑफ चार्ज, ये वाला मिटा देते हैं, होप आपने लिख लिया होगा। ओके क्वेश्चन पे फिर से आओ, हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम्ब ऑफ चार्ज, ईच कूलम्ब मतलब चार्ज कितना, 1 coulomb पासिंग थ्रू अ 6 volt बैटरी। तो फिर से वही बात, V इज इक्वल टू W बाय Q, W इज इक्वल टू Q इंटू V, W ही तो एनर्जी है, तो एनर्जी इज इक्वल टू Q इंटू V, ईच कूलम यानी 1 voltage 6, मतलब एनर्जी किसके इक्वल आ गई, 6 joule के इक्वल, ठीक है जी। 6 volt की बैटरी है, वो 1 coulomb चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचाने के लिए कितना एनर्जी एक्सपेंड कर रही है, 6 joule कर रही है, पर कूलम बोला था, तो इट विल बी 6 joule। समझो ध्यान से, हाउ मच एनर्जी गिवन टू ईच कूलम्ब ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू अ 6 volt बैटरी, V इज इक्वल टू W बाई क्यू लगाकर, W इज इक्वल टू क्यू इंटू वी, यहां से आंसर आ जाएगा 6 joule ऑफ एनर्जी, राइट है जी। तो ये भी बेटा ईजी सी क्या थे आपके क्वेश्चन थे, तो इट वॉज कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ओके फिर वही बात, बातों को टिप्स पे लेते हैं, अगर बातों को टिप्स पे लें तो हमने सबसे पहले क्या किया, इलेक्ट्रिक करंट, दूसरे नंबर पे बेटा क्या किया, कंसेप्ट ऑफ चार्ज, चार्ज की कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी, करंट और चार्ज में रिलेशनशिप, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टू वाला फार्मूला अपने पास आ ही चुका है, 1-2 question किए और उसके बाद सीधा किस पे आ गए, कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस, ज्यादा जरूरी हमारे लिए क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है। तो कोई भी कंडक्टर है उसमें मुझे पास क्या करवाना है, करंट, तो करंट पास करवाने के लिए उसमें से क्या फ्लो होगा, चार, तो करंट और चार 2 आ ही गए, लेकिन बिना पोटेंशियल डिफरेंस के करंट कैसे फ्लो होगा, तो वी भी आई गया, तो 3 बातें तो चलेंगी ही चलेंगी, इलेक्ट्रिसिटी पढ़ोगे, करंट चार्ज वोल्टेज, करंट चार्ज वोल्टेज, करंट चार्ज वोल्टेज, तो चलता ही रहेगा, तो आई क्यू वी तो आना ही आना, राइट है। उसके अलावा भी बेटा बहुत सी चीज़ें आएंगी, तो यहाँ पर मैं पेज वाइज अगर एनसीईआरटी बुक के हिसाब से आगे बढ़ता हूँ तो आगे हमें मिलता है डिफरेंट कंपोनेंट्स और उनके सिंबल्स, कुछ अभी आने हैं, कुछ ऑलरेडी आपने पहले ही पढ़ रखे होंगे, तो इसको अगर आपके पास एनसीईआरटी बुक होगी तो बेटा इन सिंबल्स को एक बार फैमिलियरिटी ले लेना इनसे, बाकी सिंपल ही है, जिन्होंने पढ़ रखा है, जिन्होंने को सब आता है, उनको तो कोई बताने की जरूरत ही नहीं है भाई, अब हमारे जैसे भी कई होते हैं ना जो पढ़ते ही नहीं है, अब उनको लास्ट में जाके जब एग्जाम आ रहे होंगे तब होश आता है, तो भाई
जिनको अब होश आ गया है तो अब देख लो, होश तो आ गया ना, ठीक है, जिसको अभी भी नहीं आया कुछ दिन बाद देख लेगा। लेकिन अब जिन्होंने पढ़ लिया बहुत बढ़िया बात है, जिन्होंने नहीं पढ़ा बेटा एक बार ये सारे सिंबल्स को ध्यान से देख लो। पहला सिंबल अगर एक ही लगा हुआ है तो इसको क्या कहते हैं, सेल। अगर ऐसे कई कनेक्टेड है इसको क्या कह देते हैं, बैटरी कह देते हैं। ये किसका सिंबल है, थोड़ी देर पहले सर्किट में मैंने बताया भी था, ये था की यानी स्विच का सिंबल। अगर बीच में बिंदु नहीं लगा हुआ तो इसका मतलब ओपन स्विच है, और अगर बीच में बिंदु लगा दिया तो इसका मतलब कैसा स्विच है, ये क्लोज्ड स्विच है। तो ये ओपन है बेटा, ये क्लोज्ड है। उसके अलावा बेटा ये जॉइंट है वायर का, मतलब सर्किट्स में कई बार वायर्स जारी होती हैं तो वायर का क्या है, जॉइंट, ठीक है। अगला सिंबल किसका है, ये जॉइंट है, मतलब कई बार वायर क्रॉस हो रही है लेकिन आपस में कनेक्टेड नहीं है, तो उसको ऐसे जम्पर बोलते हैं इसको, ठीक है जी। अगर हमने इसको ऐसे क्रॉस कर दिया मतलब यहाँ पे जॉइंट लगा हुआ है, डॉट लगा दिया, और अगर ऐसे करके रखा हुआ मतलब वायर बस क्रॉस हो रही है, आपस में कनेक्टेड नहीं है। बल्ब का सिंबल है, बार बार ऐसा बल्ब थोड़ी बनाते रहेंगे, ये बल्ब का क्या हो गया, सिंबल हो गया बेटा। अभी आगे चलकर एक रजिस्टर नाम की चीज आएगी ओम्स लॉ में, ये किसका सिंबल हो गया, रजिस्टर का सिंबल, ठीक है। अच्छा, रजिस्टर्स कई तरह के होते हैं, उनमें से कुछ वेरिएबल रजिस्टर्स भी होते हैं, ये किसका सिंबल हो गया बेटा, एक वेरिएबल रजिस्टर का सिंबल हो गया। दिस इज सिंबल ऑफ अ वेरिएबल रजिस्टर। दिस इज एमीटर, ये सर्किट में जब भी लगेगा हमेशा सीरीज में लगेगा। और नीचे वाला क्या है, वोल्ट मीटर, ये सर्किट में जब भी लगेगा कैसे लगेगा बेटा, पैरेलल में लगेगा, ठीक है जी। तो अभी फिर से वही बात, मेन टॉपिक स्टार्ट होना है हमारा, अगला टॉपिक ओम्स लॉ है। तो उस मेन टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले फिर से आपको एक दो मिनट का क्या दिया बेटा, हमने ब्रेक दिया, पानी वानी पियो, हम भी पानी वानी पीकर आ जाते हैं। इसके बाद फिर हमारा असली खेल शुरू होने वाला है। अभी तो सब कुछ इंट्रोडक्टरी था बेटा, अब स्टार्ट होगा असली खेल ओम्स लॉ के साथ, ठीक है। तो दो मिनट का ब्रेक, आओ पीकर पानी।